जो बाबा जी हमेशा यहाँ पर जो है धूनी जला कर शुद्धकरण कर लेते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। क्यों भाई तो इतना ज्यादा गर्म है भने कि बहुत ज्यादा, हमें तो अभी लेट ही है और एक पंखा चालू। मैं लाया हूँ भाई यूनाइटेड का एक फैन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। करते हैं नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। ओ दगड़ियों नमस्कार, पहला नए दिन की नई स्वाद के साथ गोपाल कांडपा ब्लॉग में इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के साथ आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ और व्यस्त हूँ। तो बोलो क्योंकि कई दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, जिस कारण ये था कि मेरी जो तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब तबीयत ठीक हो चुकी है और आज वहाँ हमें मंदिर में घूमने गए हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत बहुत इस पेल तरीके से हो रही है। चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है सुबह के करीब 9:30 बजे से। और अभी फ़िलहाल जो मैं हूँ अकेले हूँ और मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुका हूँ। और ये मंदिर कौन सा है, क्या है, आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और चलिए जी दोस्तों, मंदिर की ओर हम बढ़ने लग चुके हैं। बस सीधे आपको मिलते हैं मंदिर के नीचे जाकर, एक बार आपके आसपास के नज़ारे का आनंद लें। दोस्तों जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं, हमको सबसे पहले यहाँ पर एक मिलते हैं बाबा जी। ये देखिए जी, जो बाबा जी हमेशा यहाँ पर जो है धूनी जला कर रहते हैं। चलिए जी, बाबा जी से बबूती भी ले लेते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। चलिए चलिए जी दोस्तों, हम यहाँ पहुँच के सबसे पहले यहाँ करते हैं स्नान। क्यों भाई, ये देखिए सामने के सभी लोग जो है ना स्नान करने में लगे हुए हैं, अपने पाप धो रहे हैं इधर। और हम भी जो हमसे भी जो गलत पाप को पाप हो रखे हैं, हम भी अपने पाप धो लेते हैं, यानी हम पहले शुद्धिकरण कर लेते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। क्यों भाई, चलिए। तो चलिए जी दोस्तों, हमारे स्नान वगैरह तो हो चुका है और अब करते हैं पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू। और आप सब अपने भी दर्शन करते हैं और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलिए जी दोस्तों, अभी दर्शन करने के बाद अभी जो है ना आगे की प्रक्रिया शुरू कर ली है। और अभी सचिन भाई लोग जो है ना मच्छियों को है दाना दे रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब तक मच्छियों को दाना नहीं दिए जाते तब तक गुप्तेश्वर मंदिर के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। और चलिए जी, मैं भी अभी जो है इनको दाना दे देता हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है मच्छियों का, किस तरीके से आ रहे हैं देखो ऊपर की ओर। चलिए जी दोस्तों, दर्शन भी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलने लगे हैं घर की ओर। चलो जो चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं और सीधे निकलते हैं घर की ओर। अब
तो चलिए जी दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ अल्मोड़ा की ओर। कल हमने किए थे गुप्तेश्वर मंदिर के दर्शन, लेकिन आज मेरी तबीयत हुई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा अचानक से अल्मोड़ा। चलिए जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद कितनी भीड़ लगी हुई है ये देखिए। सबसे अच्छा था मैं जल्दी आज गया था और मेरा जो नंबर है 2400 है। चलिए जी वेट करते हैं। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे, और भाई इतनी ज़्यादा धूप लगी कड़कना क्या ही बताऊँ। भाई मैं गया था अल्मोड़ा सुबह, और हॉस्पिटल में दिखाया मैंने आपको कितनी ज़्यादा भीड़ लगी थी उधर, ब्लॉग बनाने का हो ही नहीं पाया। उसके बाद भाई धूप इतनी ज़्यादा तगड़ी थी ना, तो मैं कुछ बनाने का मन ही नहीं किया भाई। मार्केट पे एकदम घर आया भाई, सर दर्द कर गया मेरा बीमार, वैसे ही मैं दवाई वगैरह ली और बस पे बैठ के घर का आ गया। सीधे मैं पहुंचा घर पे, अभी पहुंच रहा हूँ। समय दिन के करीब बज रहे हैं 2, और मैं अभी जस्ट अभी घर ही पहुंच रहा हूँ, ठीक है। और एक बार आपको दोस्तों यहाँ के नज़ारे दिखा देते हैं दिन के, कैसे कितने प्यारे नज़ारे हो रहे हैं। लेकिन इतनी कड़क धूप लगी है ना वो देखिए, लेकिन हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है दोस्तों। जैसे कि बताया कि मैंने अल्मोड़ा से कुछ चीज़ खरीद के लाया हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। भाई गर्मी, जैसे गर्मियों का माहौल चल रहा है, मतलब मौसम जो है ना गर्मियों का है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। इस वजह से मैं ना मैं लाया हूँ भाई यूनाइटेड का एक फ़ैन, जो ना स्टैंड फ़ैन लेके आया हूँ, और इसे चला के दिखाता हूँ, क्योंकि अम्मा को बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है भाई साहब। क्यों अम्मा, कल गर्म है गो? बहुत गर्म हो रहा है बहुत भाई, बहुत है ना। अम्मा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, हम तो बहुत परेशान है भाई। तो दोस्तों इतना ज्यादा गर्म है गए भाई, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा। अम्मा तो अभी लेटी है, और एक पंखा चालू करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे हवा दे रहा है। क्यों हमका साथ देखो, देख लूंगा ठीक से भाई। और के कौन चार सी तो गर्म वाले का सारा गर्म होगा रिकॉर्ड सुबह और साल में ज्यादा रिकॉर्ड टोड़ है, रिकॉर्ड टोड़ लो। सब बीमार पड़नी आदमी है, पानी नहीं मिल रहा दोस्तों। तो दोस्तों पानी की भी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। अभी ना भाई थोड़ी देर पंखे के बाहर आते हैं, देखते हैं कैसे हवा आ रही है, नया नया है ठीक है। और इसके बाद हमने भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से पंखे चला दिया है, और पंखे चला दिया इस वजह से पंखे लेके आया, क्योंकि सामने लगा रखा है पूरा स्टैंड फैन है मस्त वाला, ठीक है। तो दोस्तों इसे तो लगा दिया है, और अम्मा को देखकर पसंद आता नहीं आता है। और पसंद आ चुके हो रहे बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी दोस्तों, भाई साहब पंखा भी जो ना चेक कर ही लिया है, और अभी जो है ना खाने का टाइम हो चुका है। और आज खाने में जो बनाया गया है ये देखिए भाई, मेरे कहने पे मस्त तरीके से खिचड़ी, और साथ में है भाई सैलेड पे देखिए भाई प्याज और मूली। भाई साहब फटाफट से भूख भी लगी है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे निकल गया था, कुछ भी नहीं खाया था, और मार्केट में भी कुछ नहीं खाया भाई, सीधे घर ही आ गया। तो फटाफट से खाना पीना करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है।